जीवन का मतलब जागृत अवस्था है। जब हमें यह ज्ञान हो जाए कि जीवन सोने के लिए नहीं मिला, इसलिए आप क्या समझते हैं, कहीं भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहिए, जागृत का ज्ञान हो जाए। अच्छा, एक मिनट थोड़ा इस विषय को हम समझा दें, इसे कहने से आपके समझ में नहीं आता। देखो, जैसे रात में आप चारपाई पे सो रहे थे तो जो कपड़े पहने होंगे, जैसे लेटे होंगे, सवेरे वैसे ही तो जगेंगे, कोई अंतर आएगा? वैसे ही जगेंगे। अच्छा, विचार करिए कि जो आदमी बिना कपड़ों के संसार में आया, एक बनियान भी जिसके पास में नहीं है, तो उस समय तो जागृत है, तो इसके बाद जिंदगी भर सपने ही तो देख रहा है, बेटा बेटी, मकान दुकान, घर कपड़े, लेकिन एक दिन तब जगा, कब? कहे कबीर अंत की बारी, और हाथ झाड़ जिम चलो जुआरी। उस दिन भी कोई कपड़े नहीं थे। अगर यही ज्ञान पहले हो जाए, जीते जीते जी हो जाए कि ये जो कुछ भी है ये सब खाक पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। और ये कब होगा? ये सुनने से नहीं होगा, सुनी हुई पढ़ी हुई कही हुई लिखी हुई बात को कहना, ये ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान का मतलब है अपने अनुभव की, अनुभूति की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर देना।